गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास जो आपको होमवर्क दिया गया था आपने कर लिया है, उसके आंसर्स मैच कर लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 10%, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 25%, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 5% एंड द फोर्थ क्वेश्चन आंसर विल बी 4%। सही है, सबका हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का कंसंट्रेशन सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा, वेट बाई वेट परसेंट। अब हम क्या सीखेंगे, हाँ वेरी सिंपल, दैट इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। अब हमें बताइए, जब वेट बाई वेट परसेंट था तो ऊपर वाला डब्ल्यू का मतलब क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो ऊपर वाले वी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि वी टू अपॉन, नीचे क्या था, हाँ वहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100%। यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ पे हम पहले मास ले रहे थे अब हम वहाँ पर क्या लेंगे, वॉल्यूम के साथ डील करेंगे। बात समझ में आ गई, तो चले आइए कुछ लिखा दे पहले, फिर उसके बाद तो हम आपको प्रैक्टिस करा ही देंगे। चलिए आप इसको लिख लेंगे, हेडिंग बनाएंगे द केस ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि अब जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, वी कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीमीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी बात होती है, अगर हम आपको ये कह दें किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कितना है, लेट्स से 5% है, तो इसका मतलब आप खुद से समझ जाएंगे कि अगर आपके पास 100 लीटर पानी है, कितना 100 लीटर पानी है, तो उसमें से 5 लीटर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, अगर हम आपको दे दें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 25%, तो इसका मतलब आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि अगर मेरे पास 100 लीटर सॉल्यूशन है, कितना 100 लीटर सॉल्यूशन है, तो उस केस में जितना परसेंट है उतना ही लीटर यानी कि 25 लीटर क्या होगा, उसमें सॉल्यूट होगा। अगर आपसे सॉल्वेंट पूछ लिया जाए तो आप उसको माइनस करके निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, वो 75% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम आपको एक छोटा सा पार्ट देते हैं, आप उसको गेस करके बताइए। अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज गिवेन एज 20% और आपसे कहा जाए कि बताइए अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है, कितना 100 मिलीलीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, कितना आएगा 20 लीटर नहीं, कितना आ जाएगा 20 मिलीलीटर आ जाएगा। यूनिट सेम रखना है ना, जब हम वहाँ पर लीटर ले रहे थे तो यहाँ भी लीटर लिए थे, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने 100 मिलीलीटर लिया हुआ है इसलिए मेरा सॉल्यूट की वैल्यू भी क्या आएगी, मिलीलीटर में ही आएगी। क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए तो आप डेफिनेशन यहाँ से ही लिख लेंगे, यहाँ तक चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और भी चीज़ें आसान होती जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या था, ठीक है ये कुछ नहीं है, सब फालतू की बकवास लिखी हुई है, मतलब आपके काम की इसमें कुछ नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड इन 150 ml ऑफ वाटर। तो बस लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 50 ml।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 150 ml, और कह रहा है हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि V2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V3 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, ये तो निकालना पड़ेगा ना, हमें सॉल्वेंट पता है सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम यहाँ से। V3 कितना आ जाएगा 150 + 50 यानी कि 200 ml। हम यहाँ क्या लिख देंगे 200 × 100%। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करिए 25 बार में, यानी कि आंसर आ जाएगा 25% बाई, हाँ इस बार मास नहीं, इस बार क्या होगा बाई वॉल्यूम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं, आंसर चेक कर लीजिए। देखिए आंसर ये रहा आपका आंसर 25% बाई वॉल्यूम, कर सकते हैं, सिंपल सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रहे 45 ml सॉल्यूशन है वे, हाँ क्योंकि अगर आपने यहाँ मिस कर दिया तो फिर आपका गेम हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 2 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है दैट इज 45 ml, और आपसे क्या पूछ रहा है वॉल्यूम परसेंट यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, तो लिख लीजिए V2 अपॉन V3 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो V2 की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, V3 इज 45 upon 100, इसको डिवाइड करिए, देखिए 9 टाइम्स में चला जाएगा, ये 20 टाइम्स में, ऊपर क्या बचेगा 40 बाई नीचे 9 बचेगा, इसको डिवाइड करिए देखिए कितना जाएगा 4.36 440, यानी कि ये 4.44% आ जाएगा बाय वॉल्यूम। देखिए आंसर आ जाएगा आपका 4.4% बाय वॉल्यूम, कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे हम, आपको एक होमवर्क देते हैं, हम लोग उसको होमवर्क को पहले डिस्कस करेंगे कल, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखिए इफ 10 ml एसीटोन इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, एक तो ये हो गया, एक और लिख लीजिए दूसरा। नेक्स्ट विल बी इफ 50 ml अल्कोहल इज मिक्स्ड इन 750 ml वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम या V/V%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आप इनको कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और एक आध दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।